गाइस, अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्किन फटी हुई है, स्किन डल हो जाती है और बहुत से ऐसे मामला है, तो ये तीन चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेस्ट हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको इसमें आपके पहले तो इनके फ़ायदे बताती हूँ, इन तीनों चीज़ों के। और ये मेडिकेटेड है, सबसे चीज़ है कि ये मेडिकेटेड है। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने आगे कैसे चलना है। तो चले शुरू करते हैं। मेरी स्किन बहुत ड्राई स्किन है, इतनी ड्राई स्किन है कि जैसे कि मेरी स्किन पे बल पड़ जाते हैं। मेरी 20 एज है और इसमें मेरी स्किन पे बल पड़ जाते हैं। मेरी स्किन पे नाखून मारो तो वो उठते हुए वो जो ड्राइनेस है ना, वो निकलती है, जैसे सर में से निकलती है ना, इस तरह निकलती है कि वो कांटेदार बन जाती है, मेरी स्किन पे छिलका बन के उतरती है, इतनी मेरी स्किन ड्राई है। तो मैंने आज से 3 साल पहले डॉक्टर पे गई। तो सीन ये है कि आपने ये तीनों चीज़ें इक्वल लेनी है। मैंने ये सारी चीज़ें, आप ये देख सकते हैं कि आधा पाव है सारी टोटल चीज़ें, मैंने मेडिकल स्टोर से ली हैं, आप ये मंडी से भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका कलर वापस आ जाएगा। ये 6 हफ्ते से ना मैंने यूज़ नहीं की, तो ये देखिए मेरी स्किन फिर ख़राब हो गई है। लेकिन इसको एक दफ़ा ही यूज़ करते ही आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो बहुत क्लियर नज़र आएगा। करना आपने ये है लेने, ये तीन चीज़ें हैं, ग्लिसरिन प्योर, पैराफिन ऑयल एंड वैसलीन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं और आपने ये तीनों बराबर लेनी है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना हो। और आपने इनको चूल्हे पे पकाना है, वैसलीन को नहीं पकाना। मैं आपको तरीका बताती हूँ, चलें शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ ग्लिसरिन प्योर। ठीक है, ये मैं आपको डाल के तो मैं फिर दिखाती हूँ। ओके, मैं सारी ग्लिसरिन डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अच्छे से ग्लिसरिन डाल दी है इसके अंदर, अब हम डालने लगे हैं पैराफिन ऑयल। अब ये डालने लगे हैं जी हम पैराफिन ऑयल। अच्छा, मार्केट से अगर आप ये खुले ले लेंगे ना, मंडी वगैरह से, हकीम से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 3500 के ये आधा पाव आए हैं, और अगर आप हकीम से या किसी मंडी वगैरह से लेते हैं तो आपके 1000 के अंदर ही आ जाएंगे। ये इतनी एक्सपेंसिव रेसिपी नहीं है, लेकिन ये मंडी से सस्ती मिलती है। मैंने पैराफिन ऑयल और ग्लिसरिन डाल दिया। मैंने थोड़ा सा चूल्हा गर्म करके ना इसको थोड़ा सा पका लेना, फिर वैसलिन डाल दिया। वैसलिन डाल दिया इसके अंदर, चूल्हा बंद कर दिया, वैसलिन के साथ चूल्हा नहीं चलाना। और ये 5 मिनट इसको टाइम देंगे, और साथ साथ मैं ये नाइफ से ना इसको हिलाती रहूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, आपने वैसलिन अंदर डालते हुए याद रखना है कि चूल्हा ऑन नहीं होना चाहिए। अब इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे हम। ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ। बिल्कुल डिजोल्व हो चुका है। आप इसके अंदर आप कोई भी लोशन डाल सकते हैं ताकि फ्लेवर, खुशबू या कलर के लिए। मैं डाल रही हूँ ये बायोकोस का लोशन। ठीक है, वैसलीन भी डाल सकते हैं, पहले वैसलीन डालती थी, पॉन्ड्स डालती थी, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ड्राई डालिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा यानी कि आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप ऑयली भी डाल सकते हैं कोई, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल लोशन, क्योंकि बहुत पिचपिचा सा आया ताकि मैं फेस पर भी लगा सकूँ। चलिए मैं डाल के बताती हूँ। इससे क्या ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और उससे ये थोड़ी सी खुशबू जो है वो आने लग जाएगी। वैसे मैंने वैसलीन यूज़ किया कोका बटर वाली, तो ऑलरेडी खुशबू होगी, लेकिन थोड़ा सा कलर ज़रा चेंज हो जाएगा, इससे किसी को ये पता नहीं लगेगा कि मैंने क्या बनाया है। चलिए दिखाती हूँ। साइज ये तैयार हो चुका है, तो मैंने ज़्यादा लोशन नहीं डाला था, तो ये मुझे ये ना हो कोई कुछ और समझ के तो इस्तेमाल कर ले, लोशन समझ के इस्तेमाल कर ले। वैसे आप लोशन समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए, फेस के लिए, हाथों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा चले। अब मैं इसको डाल लगी हूँ कंटेनर्स में, यानी कि जैसे मैंने ये अपने जार्स रखे हैं इनमें डाल लगी हूँ, ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।